कोई वो कोशिश की जा रही है जिससे मामला दबाया जाए। पास एक मंथ हो चुका है एफआईआर हुए, इतना लंबा टाइम जा चुका है, जो कि किसी नॉर्मल आदमी के लिए अगर ऐसी धाराएं होती तो वो जेल के पीछे होता, उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाता। सिट मुझे कोई जवाब नहीं दे रही है, मैंने हर एक एविडेंस वहां दिया है और कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उठ चुका है। और खेल मंत्री को बहुत गलत लड़की टकरा चुकी है, जिसकी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, और ये एड्डी चोटी से जोर लगा लें ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। इल्जामा दी लंबी लिस्ट है, सवाल वही है कि आखिर की हरियाणा दे मंत्री संदीप सिंह दी गिरफ्तारी होएगी, क्योंकि सियासी तिरावी मंत्री संदीप सिंह दुआले हुई ने अते शिकायतकर्ता कोच दे इल्जाम भी गंभीर ने। 7 महीने पुराने मामले दी दो ताजा तस्वीरां ने महिला कोच ने इल्जाम लाया कि एसआईटी दी जांच सिट्टे ते नहीं पहुंच रही। तो उधर हरियाणा महिला कांग्रेस वालों पंचकुला तो मंत्री संदीप दे घर तक मार्च करन दी कोशिश कीती गई, पर चंडीगढ़ बॉर्डर ते महिलावां नूं रोक लिया गया। 30 दिसंबर नूं मंत्री संदीप सिंह खिलाफ मामला दर्ज होया सी, उदों तो ही जांच जारी है, पर जांच दी चाल तो शिकायतकर्ता महिला संतुष्ट नहीं है। जब भी मेरे पास किसी नई इन्वेस्टिगेशन के तहत आए, मैंने उनसे हमेशा पूछने की कोशिश की है कि क्यों जो इतनी संगीन धाराएं हैं वो ऐड नहीं हो रही हैं इन पे, क्यों इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, इनसे को एक ही बार इनको बुला के और उसके बाद कोई भी मतलब क्यों नहीं कुछ इस पे कार्रवाई की जा रही है, तो सब साइलेंट है, कोई जवाब नहीं है। महिला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल खड़े कर निराशा जाहिर की है कि 1 महीने बाद इंसाफ तक ही मिलना सी, सगो उन्होंने मुश्किल च इजाफा किया गया। उन्होंने इतना जल्दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मनोहर खट्टर लाल सर हैं कि लड़की तो अनर्गल, अरे भाई तुम सीएम हो, तुम्हारी बीजेपी सरकार है, तुम हर वो गिरी से गिरी कोशिश कर रहे हो कि जिसकी वजह से एक नॉर्मल एक आम लड़की की तुमने ये हालत पागलपन तक करने के लिए तुमने कोशिशें कर ली, तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे मुझे, छिप के चूहे की तरह बिल में क्यों घुस के बैठ गए खट्टर सर, क्यों सामना नहीं कर रहे हैं। मैं किसी से भीख नहीं मांगी, मैं इस देश की नागरिक हूँ और कानून से ऊपर ना तो नरेंद्र मोदी है ना ही कोई बीजेपी है, और अगर बीजेपी के यही हाल रहे ना तो ये जो जबरदस्ती चीजों में खींचाता नहीं कर रहे हैं ना, एक नॉर्मल सिंपल सी एक एथलीट जिसका कहीं किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उस लड़की को खुद खट्टर सर ये बोल रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए, मेरा पता कर लें आप, जो कि हरियाणा एफएफसी और सीट ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इनके कहने पे सांस लेना तक मेरा दुभर कर दिया है, वो क्या निकाल पाए मेरे लिए। महिला कोच ने जंतर मंतर ते धरना लाउण वालियां महिला पहलवानां नूं भी सलाह दित्ती है कि शोषण वाले गंभीर इल्जामां लई कानूनी राह अख्तियार करन दी लोड़ सी। एक बार भी इतना बड़ा मुद्दा है कि एक जूनियर प्लेयर है, उनसे तो मैं हालांकि काफी जूनियर एथलीट हूँ, तो किसी ने भी इसमें एक वर्ड तक नहीं लिया इस मामले में, और रही बात उनकी वहां बैठने की, तो देखिए इस मामले का ना तो मुझे दूर दूर तक कुछ आइडिया ये क्या है क्या नहीं है, और अगर एक्चुअल में विनेश फोगाट और जो भी साक्षी मलिक इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे नहीं लगता रातों रात उन्हें ऐसे धरना छोड़ के भागना चाहिए था, जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिलता उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, और पता नहीं कितने सारे जैसे मैंने आवाज उठाई है, जितना एक साल इस जानवर ने मुझे टॉर्चर किया ना वो मैं अपनी और जूनियर एथलेटिक्स की लड़कियों, भले ही कोई मेरे साथ आके खड़ा ना हो, क्योंकि मैं सच्चाई मेरे साथ है। संदीप सिंह ते चंडीगढ़ दे सेक्टर 26 थाने दे विच आईपीसी दी धारा 354 354 ए 354 बी 342 ते 506 दे तहत मामला दर्ज है। हालांकि महिला मुताबिक 1 जुलाई 2022 दा ए मामला है ते उसने हरियाणा पुलिस अपने डिपार्टमेंट सने हरियाणा दे मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाने दी कोशिश कीती सी, पर किसी ने सार नहीं ली। हालांकि सारे इल्जामां ते मंत्री संदीप सिंह अते मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी स्पष्टीकरण दे चुके ने। महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है, उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे, लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, जैसे उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे। मनोहर लाल इस मामले च इसे दलील ते कायम ने कि जांच तक इल्जामा दे आधार ते किसी नु दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए हुण सवाल ये खड़े हो रहे ने कि जेकर किसी आम शख्स खिलाफ इस तरह दी धारावां तहत मामला दर्ज हुंदा तां कि फिर भी कार्रवाई च इन्नी देर लगदी, पहला ही जुलाई 2022 दे मामले च एफआईआर दर्ज करन च बहुत देरी हुई है, ते हुण एफआईआर दर्ज होने दे बाद भी महिला वालों लाए प्रताड़ना दे इल्जाम गंभीर ने।